नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में प्रदेश के विकास के लिए सरकार ने बजट पेश किया है। यह पहली बार था जब विधानसभा में डिजिटल बजट पेश किया गया। अमृतकाल की नींव और ग्रेट सीजी की थीम पर पेश किए इस बजट में हर वर्ग पर फोकस रहा है। रिपोर्ट देखिए। पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है, है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पहला डिजिटल बजट पेश किया गया। ये बजट प्रदेश को विकासशील से विकसित राज्य बनाने की दिशा में बताया जा रहा है। साल 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने का लक्ष्य है। अमृतकाल की नींव और ग्रेट सीजी की थीम पर पेश किए सरकार के बजट में हर वर्ग पर फोकस रहा। हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे अध्यक्ष महोदय। ये छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे एक विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा, इसका दृष्टिपत्र, एक विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे और इस दृष्टिपत्र का नाम होगा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सरकार ने ज्ञान को आधार माना है। सरकार का मानना है कि ज्ञान के आर्थिक विकास से प्रदेश का विकास होगा और छत्तीसगढ़ विकास की एक नई कहानी लिखेगा। हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु जो होगा वो ज्ञान होगा। ज्ञान नॉलेज तो होगा ही, लेकिन इस ज्ञान का हमारा अर्थ है जी अर्थात गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता और एन अर्थात नारी। ज्ञान के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित हमारा आर्थिक विकास होगा। इस बार बजट पहले की तुलना में बड़ा है। बजट में मोदी की गारंटी से लेकर राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प है। चलिए आपको बताते हैं बजट में खास क्या है। 1,47,500 करोड़ का बजट, पिछले साल के मुकाबले 22% का इजाफा, अमृतकाल की नींव और ग्रेट सीजी की थीम, बजट में मोदी की गारंटी की छाप, राम राज्य की परिकल्पना साकार करने का संकल्प, 5 साल में जीडीपी दोगुना करने का लक्ष्य, 400 यूनिट तक बिजली बिल होगा आधा, बजट में नहीं लगाया गया कोई नया टैक्स, गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस। पिछली सरकार ने गड़बो नवा छत्तीसगढ़ का ख्याली पुलाव परोसा और नतीजा निकला अध्यक्ष महोदय बोरबो छत्तीसगढ़। इन्होंने कहा गड़बो नवा छत्तीसगढ़ और नतीजा निकला बोरबो छत्तीसगढ़। हम गड़बो से पहले करबो पर ध्यान केंद्रित करेंगे अध्यक्ष महोदय, यही हमारा संकल्प। नई सरकार है, नया बजट है और प्रदेश की जनता को भी नई उम्मीदें हैं। सरकार ने अगले 5 साल में प्रदेश की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 10 पिलर्स निर्धारित किए गए हैं जो प्रदेश को विकासशील से विकसित बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वहीं सीएम साय ने बजट को ऐतिहासिक बताया है। बजट पेश होने के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि कोई भी क्षेत्र इस बजट में छूटा नहीं है। सुनिए आप भी। सरगुजा और बस्तर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, ये भी गरीबों के लिए है। आज जो भूमिहीन है, जो मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार साल में 10,000 रुपया सहयोग देगी, इसका भी बजट में प्रावधान है। और भी कई गरीबों के उत्थान के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उसी तरह से वाई का मतलब हुआ युवा, यूथ के लिए भी इस बजट में बहुत प्रावधान है। एक तो जो पिछले समय में पीएससी के माध्यम से जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसकी भी जांच हम लोग सीबीआई से करा रहे हैं और उनके रोजगार की भी व्यवस्था कर रहे हैं और उनकी नौकरी की भी व्यवस्था का प्रावधान इस बजट में है। उसी तरह से ए का मतलब अन्नदाता, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ के लोग अधिकांश खेती पर आधारित हैं और किसानों के लिए भी भारी प्रावधान इस बजट में किया गया है। 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे,
सिंचाई के लिए पर्याप्त इस बजट में पैसा रखा गया है, तो इस तरह से किसानों के लिए भी फोकस किया गया है। और एक है एन नारी, एन का मतलब है नारी, नारी सशक्तिकरण के लिए भी अनेकों इस बजट में प्रावधान है, जिसमें मुख्य रूप से जो मोदी की गारंटी में जो कमिटमेंट है हमारी पार्टी का कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनको साल का 12,000 रुपया देंगे। छत्तीसगढ़ के बजट में मोदी की गारंटी की छाप दिखी है। अमृत काल की नींव और ग्रेट सीजी की थीम पर पेश किए इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। बजट के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी से खास बातचीत की न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल ने, देखिए आप भी। सरकार का पहला बजट यहाँ पर पेश किया है ओपी चौधरी जी, बजट आपने पेश किया है, क्या दिमाग में था इसको पेश करने से पहले, क्या टारगेट था? ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों समूहों को जो मोदी जी की विजन समाज को जिस रूप में देखती है उनके लिए समर्पण के साथ प्रावधान करना, हमारे जिससे अधिकाधिक ट्राइबल भाइयों को, अनुसूचित जाति के भाइयों को, सबको इसका लाभ मिलता है जब इस विजन के साथ हम चलते हैं, तो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, सबको इसका बड़ा लाभ मिलता है। तो एक उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लाना और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बेहतर भविष्य के लिए एक बड़ा सपना, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके उसके लिए रणनीति तय करना ताकि हमारी सरकार उस दिशा में लगातार प्रयास कर सके। ये मुख्य चुनौती के रूप में मैंने पिछले 1.5 महीने में काम किया और उसी अनुरूप विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने बजट प्रस्तुत किया। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी हमारे साथ थे, पहला बजट आज उन्होंने पेश किया है और उनका मानना है कि सभी को इसमें समावेश करने की कोशिश थी। मोदी की गारंटी बहुत अहम है, महिला हो चाहे युवा हो, सब पे उनका फोकस था और सीनियर से अप्रिशिएशन मिला है और यहाँ तक कि उनकी अपनी वाइफ से भी उनको अप्रिशिएशन यहाँ पर मिला है। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में बजट पेश होने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताया और क्या कुछ आखिर उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो आज बजट आ गया छत्तीसगढ़ सरकार का पहला, हमारे साथ गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हैं। विजय जी, कैसे इस बजट को आप देख रहे हैं, खास तौर पर अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड? गृह विभाग से संदर्भित बजट में कहें तो पिछले बजट के बदले ये 16% अधिक इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसमें नए नियुक्तियों का भी विषय है, नक्सल क्षेत्रों में नए अभियानों के लिए नए प्रावधान हैं और विशेष रूप से आप कहेंगे तो ऑटोमाइजेशन के लिए भी 200 करोड़ से भी अधिक का प्रावधान रखा गया है। कुल मिलाकर गृह विभाग के लिए या आप कहें तो लगभग डबल हुआ बजट है वो पंचायत और समाज कल्याण का है, तो उसमें भी पंचायत और ग्रामीण विकास का है, उसमें भी आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास के लिए पूरे 18 लाख आवास के लिए प्रावधान किया गया है। सभी विषयों को इस बजट में छुआ गया है। इस बजट में विशेष रूप से ये है कि बजट को एक साल के पैसे के लेखा जोखा नहीं माना गया है, इसको विजन माना गया है, इसको ये माना गया है कि आगामी आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ कैसे उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो, ये मानकर इस बजट को लाया गया है। महिलाओं के लिए भी काफ़ी सुरक्षा पे ध्यान रखा गया और बॉर्डर इलाकों में थाने खोलने की बात की। हाँ, नए थाने खुलने के हैं, नए साइबर थाने खुलने के हैं, महिला थाने खुलने के हैं, ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं इसमें। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए साई सरकार ने बजट पेश किया। बजट को लेकर प्रदेश के व्यापारियों में भारी खुशी है। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश किया जिसके बाद व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। बात इलेक्शन की हो या फिर बजट की, निगाहें हैं न्यूज 18 पर और अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारी हैं और इसके साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हमारे बीच मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ का बजट आज जारी हो गया है, किस तरह का बजट है और सबसे खास बात यह है कि इस समय के बजट पर व्यापारी वर्ग ने एक बड़ा सुझाव जो दिया था उस सुझाव को अमल भी किया गया है। किस तरह का ये बजट है, कितना लाभकारी है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से और आर्थिक अर्थव्यवस्था के हिसाब से, हम बात करेंगे अमर परवानी जी से, बताएंगे कैसा बजट है ये पूरा।
देखिए काफ़ी संतुलित बजट है और उन्होंने इस बजट को पूरे 5 साल के विजन के हिसाब से लिया, क्योंकि ये सरकार के लिए ये पहला बजट है तो उन्होंने 5 साल में क्या करना चाहते हैं उसको उन्होंने रखा है। और कुछ ही दिन पूर्व बजट के प्री बजट मीटिंग में चौधरी साहब खुद आए थे यहाँ पे और उनको प्रदेश के पूरे व्यापारी संगठन के, रायपुर के व्यापारी संगठन के और हम लोगों ने जो लिखित सुझाव उस दिन दिया था और अपनी बात को जो उनके सामने रखी थी उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों को उठाया और हम लोगों ने उनसे बोला था कि आप कोई टैक्स वगैरह वृद्धि नहीं करेंगे और इसी बिजनेस से बढ़ेगा, तो उन्होंने कोई टैक्स वृद्धि भी नहीं की है, अब उनका आभार जताते हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ओपी चौधरी जी से उम्मीद था, क्या वो बजट ठीक ठाक आया है? बहुत ही संतुलित और अच्छा बजट आया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रत्येक छोटे से छोटा, कहने का मतलब निर्धन व्यक्ति से लेके और उद्योगपति तक के लिए सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने अमल करते हुए रखते हुए उन्होंने ये बजट बनाया है, हम इसका भरपूर स्वागत करते हैं। युवाओं के लिए, आईटी सेक्टर के लिए भी बात कही गई है। हमने एक सुझाव दिया था आईटी सेक्टर के लिए जिसको माननीय वित्त मंत्री जी और वर्तमान सरकार ने माना है और दुर्ग भिलाई में एक आईटी सेक्टर की घोषणा की गई है। बहुत ही जल्द आईटी सेक्टर आएगा, TCS, विप्रो, इस टाइप की जो बड़ी कंपनी है उसको उन लोग लाएंगे। इससे जो एजुकेशनल हब है भिलाई दुर्ग में, हम देखते हैं इंजीनियर्स पढ़ लिख के निकल रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और बहुत ही अच्छा है, हम इसका स्वागत करते हैं। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। सीएम विष्णुदेव साय आज मुंगेली जिले के झलियापुर दौरे पर रहे, जहां श्री शिव महापुराण यज्ञ में वो शामिल हुए और पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, विधायक पन्नूलाल मोहले भी शिव महापुराण में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने आज पेश हुए बजट को ऐतिहासिक बजट बताते हुए कहा कि इस बजट में सबके लिए प्रावधान किया गया है। क्षेत्र की खुशहाली के लिए हो रहा है और आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत हुआ है, प्रस्तुत हुआ है और ऐतिहासिक बजट है। 1,47,000 करोड़ का बजट है और ये बजट में पूरे छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास को ध्यान दिया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, अंबिकापुर से बड़ी खबर है। आपको बता दें, अमरजीत भगत के करीबियों पर गाज गिर सकती है। आयकर विभाग ने सरगुजा कलेक्टर को पत्र भेजा है, पूर्व मंत्री के करीबियों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। 5 साल की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। बीते दिनों अमरजीत भगत की यहां छापा भी पड़ा था और अब जो है उनके सहयोगियों के यहां पर भी छापे की तैयारी में टीम है, आईटी की टीम है। बता दें आपको, ये एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के करीबियों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि आयकर विभाग ने सरगुजा कलेक्टर को पत्र भेजा है और पूर्व मंत्री के करीबियों की संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा है। इसमें बता दें, 5 साल की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। ये भी जानकारी आपको दे दें कि बीते दिनों अमरजीत भगत के यहां पर भी आईटी का छापा पड़ा था, उसके बाद अब उनके करीबियों की बारी है, उनके करीबियों पर गाज गिर सकती है।